ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। आप सबनु भविष्य उज्जवल बने एवी कामना साथे ऋषि चिंतन चैनल में दरेकनु हार्दिक स्वागत करवामां आवे छे। पुस्तकनु नाम छे अमृत कलश भाग बे, विषय छे दैवी आशीर्वाद माटेनी शरत। सामान्य रीते लोको एवं मानता होय छे कि देवताओंनी खुशामत करीने तेमनी पासे कंई मेळवी लई आपणे आपणो फायदो करी लईशुं। आपणे मानीए छीए के अध्यात्म एनुं ज नाम छे, परंतु लोकोनो आ ख्याल तद्दन खोटो छे। देवताना आशीर्वाद मळे तो ज, अमे एवुं नथी कहेता के आशीर्वाद नथी मळता, परंतु कोई शरत वगर ज ते आपणने प्राप्त थई जता नथी। कुपात्रोने देवताना आशीर्वाद नथी मळता, तेना माटे सौथी प्रथम आपणे पात्रता सिद्ध करी बतावानी होय छे। एमांथी पार उतर्या पछी ज एवुं मानीए एवुं बनी शके छे के देवता कोई मदद करे अने कोई भक्त के साधकने लाभ पहोंचाड़वामां मददगार बनी शके। आपे पण आ विचार करीने चालवुं जोईए। आपे दैवी आशीर्वादनी आशा तो राखवी जोईए, गुरुजीना आशीर्वादनी आशा तो राखवी जोईए, गायत्री माताની कृपा तो कृपानी तो आशा राखवी जोईए। परंतु ते आशाओनी साथे साथे एक शरत पण जोड़ायेली छे, ते शरतने आपे भूली जवी जोईए नहीं। ए शरत ए छे कि जो आप आपनी पात्रता साबित नहीं करी शको तो पछी आपने निराश थवुं ज पड़शे। कुपात्रोने पण देवताओनी कृपा अने आशीर्वाद प्राप्त थाय छे एवो ख्याल भ्रामक छे। देवताओ खूब ज होशियार होय छे, मंत्र पण घणा ज होशियार होय छे। आप कर्मकांड करो ते सारी बात छे, परंतु शुं मात्र आपना कर्मकांडथी ज देवता प्रसन्न थई जाय छे? तेओ तो कर्मकांडनी पाछळ छुपायेली साधकनी भावनाओने जुए छे, अने जो भावना साची हशे तो आपने चोक्कस एवुं फळ मळशे के जे आप इच्छो छो। आपने खुदनी मनस्थितिने, पोताना चिंतनने, पोतानी विचारणाओने, पोतानी श्रद्धाने, पोताना दृष्टिकोणने पण बदलवो पड़शे। जो आप एम करी शकशो तो चोक्कसथी समझो के बहारनी सहायताओ पण आपने जरूरथी मळशे ज। अस्तु, जय गुरुदेव।